कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 जो कि पुरानी बुक में एक्सरसाइज 14.1 थी, उसका प्रश्न नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय, व्यय यानी खर्च, खर्च को दर्शाती है। तो देखिए ये सारणी है, रोज 100 से 150 रुपए खर्चने वाले परिवारों की संख्या है 4, 150 से 200 रुपए खर्चने वाले परिवारों की संख्या है 5। इस प्रकार से ये सारणी हमें दी गई है और हमें कहा गया है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें माध्य निकालना है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे घर चिन्ह जो कि है एक्साइन 100 और 150, इसके बिल्कुल बीच में क्या आएगा 125। 150 और 200 के बीच में 150, 200 और 250 के बीच में 225, 250 और 200, 375 के बीच में 275, 300 और 350 के बीच में 325। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये बड़ी हैं, हम इनको क्या करेंगे, हम एक कल्पित मान लेंगे और इसे थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 5 वैल्यूज हैं, इसमें से जो बीच वाली वैल्यू है इसको हम कल्पित मान मान लेते हैं। तो कल्पित मान हमारे पास आ गया 225। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे DI निकालना है जो कि किसके बराबर होगा, हमारा जो अर्धी चिन्ह था उसमें से हम कल्पित मान को यानी कि 225 को माइनस कर देंगे। 125 में से 225 माइनस किया तो ये आ गया -100, 175 में से 225 माइनस किया तो ये आ गया -50, 225 में से 225 माइनस किया तो ये आ गया 0, 275 में से 225 माइनस किया तो ये आ गया 50, और यदि 325 में से 225 माइनस कर दो तो 100। ये जो संख्या है थोड़ी सी आसान हो गई है। अब हमारा जो अगला काम है वो है FI गुना DI के लिए -100 को 4 से गुना करना है, -400, -5 को -50 से गुना कर दिया गया -250, 12 को 0 से गुना कर दिया तो आ गया 0, 50 को यदि 2 से गुना कर दिया तो ये आ गया 100, और 100 को यदि 2 से गुना कर दिया तो ये आ गया 200। अब हमें इसका जोड़ निकालना है, माइनस वाली संख्याओं को अलग प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 400 में 250 जोड़ दो तो ये आ गया -650, यहाँ यदि हम जोड़ें तो 200 में 100 जोड़ दिया तो ये आ गया +300, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस प्लस माइनस, 650 में से 300 गए 350, साइन बड़ी रकम का माइनस, इसका मतलब इन 5 रकमों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है -350। तो घबरा नहीं जाना कि हमारे पास जो FIDI का जोड़ है ये माइनस में कैसे आ गया, कोई बात नहीं, ये अभी आगे हल होना है। तो आइए हम आगे हल करके देखते हैं इसको। अब हमें निकालना है माध्य। तो बच्चों जो माध्य का फार्मूला है वो है समेशन FI गुना DI बटा समेशन FI, उसके बाद जो हमने A यहाँ सब में से माइनस किया है वही A हम यहाँ पर आखिर में प्लस कर देंगे। समेशन FI DI आया है -350 बटा समेशन FI यहाँ पर है 25 प्लस A, ए कितना था 225। इसको हम हल करेंगे, 25 एकम 25, 35 में से 25 में 10, 10 और पीछे 0 100, तो ये आ गया 14, यानी -350 को यदि 25 से भाग किया जाए तो हमारे पास उत्तर आएगा 14, साथ में है माइनस का निशान और प्लस ये है 225, तो ये बन गया माइनस प्लस माइनस, 225 में से 14 निकाल दिए तो वो आ गया 211, साइन बड़ी रकम का यानी प्लस का, तो हमारे पास जो माध्य आ गया है वह आ गया है 211। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था।